साहबजादा वीर मुनव्वर हुसैन साहब शाह साहब की खिदमत में अर्ज करता हूँ, माइक पे तशरीफ लाए, अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे, जाके नारा लगाइए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाह व हुव मुहसिन फलहु अजरुहु इंद रब्बिह वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़त या रब्बल आलमीन व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीमुल अमीन। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। बाबा दे बुलंद रूदे पाक पढ़िए, उसूल बरकत के लिए रहमत कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में और थोड़ी सी महफ़ल को रौनक भी देने के लिए नात के और उसी को नात को दुआ में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दुआ भी है और नात मुस्तफ़ा भी है। तमाम ही हजरात मेरे साथ कोशिश करें, मिल के ये फरियाद पेश करें आका की बारगाह में, हो सकता है कि मंजूरी की ये घड़ियाँ हमारी नजात का सबब बन जाएँ। दो घड़ियाँ रुक जा तकदीर, दो घड़ियाँ रुक जा तकदीर, मैनू लगियाँ तोड़ने बालन दे, दो घड़िया रुक जा तक। वक्त की नज़ाकत है, नज़ाकत का ये आलम है कि आप मिलकर पढ़ें और हो सकता है मैं शेर पढ़ के ही बैठ जाऊं। प्यार से मेरे साथ मिलकर पढ़ें, दो घड़िया दो घड़िया रुक जा तकदीर, लग मनु लगियां तोड़ने भालन दे, खुद जान हवाले कर दे साहब, खुद जान हवाले कर दे साहब। ईमानदारी नाल जिदा जिदा ये ईमान है कि जदों इस दुनिया तो रुखसती हो रही होवे तो आका का चेहरा सामने होवे, और मिल के मुहब्बत से आका की बारगाह में ये दरख्वास्त पेश करें कि खुद जान हवाले कर दे साजी, खुद जान। गूंज पड़ जाए आका के सुना खानो, रहमते कायनात हजरते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत की पुकार और मोहब्बत की निदा, जहाँ से भी कोई निदा लगाए वो गुम्बद खदरा में बैठ कर तेरी निदा को सुनते हैं, और ने सुनकर और फिर सरकार का गुलाम जो निदा करता है जवाबन सरकार अता भी करते हैं। जरा मोहब्बत से कह दे खुद जान हवा कर दे साजी, खुद जान हवा ले कर दे सा, इस जान दमालिक लेने दे, दो घड़ियां रुक। दुनिया दी कैद नो कटी के ते टुर चला ओ दे बल्ले में, दुनिया दी कैद नु कटी के ते टुर चल
ओए हुन कैदी बन सा जुल्फा दा भाई हुन कैदी सा जुल्फा दी छानू आ लेने दे अल्लाह हुन कैदी बन सा जुल्फादा हुन कैदी बन सा जुल्फादा जुल्फां दी छानूं आ लैण दे दो घड़ियां रुक जा तकदीरे हमद बारी ताला और नाते जनाब हबीब किबरिया अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना के बाद स्टेज पे बहुत बड़े बड़े उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, उनकी मौजूदगी में मुझ जैसे कम इल्म का कुछ कहना सूए बेअदबी या यूँ कह लें कि उनकी शान में कुछ ऐसा कलमा कहना या उनके सामने कुछ ऐसी बात कहना ऐसी एक हरकत है कि जिसे आप बचगाना भी कह सकते हैं। लेकिन उनकी मोहब्बत और शफ़क़त के साए के नीचे बैठकर जिस आयत करीमा को मैंने तलावत किया है उसका तर्जमा और थोड़ी सी बात उसके मतलब रस करके इंशाअल्लाह ख़त्म करता हूँ। अल्लाह जल्ला शानहु व तम एहसानहु अपने कुरान में इरशाद फरमा रहे बला मन असलम वजहहु लिल्लाह व हुवा मुहसिनुन फलहु अजरहु इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह का कुरान बोला बला मन असलमा वजहहू लिल्लाह हाँ जिन्होंने अपने आप को झुका दिया अल्लाह के लिए बला मन असलम वजहहू लिल्लाह व हुवा मुहसिन जिन्होंने अपनी गर्दनों को झुका दिया अपनी अनानियत को फना कर दिया अपने आप को अल्लाह की बारगाह में तबाह बर्बाद समझा यानी यह ना समझा कि मैं हूं मैं की या अनानियत के बुत को पाश पाश कर दिया और खुदा के हो गए क्योंकि लिल्लाह की तरफ इशारा और लिल्लाह कहकर अल्लाह का कुरान फरमा रहे जिन्होंने चला तो अल्लाह के लिए जो बैठे अल्लाह के लिए जिंदगी बसर की अल्लाह के लिए चलना फिरना बैठना उठना जिनका अल्लाह के लिए अल्लाह ने उन्हें ऐलान कर तौर पर यह फरमाया वहुवा मुहसिनुन और लोगों सुन लो यही मोहसिनीन है यही अल्लाह की बारगाह में झुकने वाले कामयाब हैं और इनके लिए फिर नाम यह है फलहू अजरहू इंद रब्बिही क्योंकि अपने आप को तबाह कर गए अपने आप को फना कर गए। गल है कि टाइम बहुत थोड़ा है और लत नू हाथ भी लग गया है अगे पैरों लगते सू लत्तों लगन लग पे और उन्होंने फर्ज है कि वक्त नू कंट्रोल करन। मैं अफसोस नाल अपने आप से अफसोस कर रहा कि मैं शेर पढ़ के तो अपना जो चंद मिनट का वक्त से भी उधर दे चुके हैं लेकिन थोड़ी जी बात मैं जाद्या जाद्या जरूर अर्ज करा कि फलाहू अजरहू इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कि अल्लाह जल्ला शानहू व तम एहसानहू अपने इस कुरान करीम में ये वाज़े इरशाद फरमा रहे हैं कि जो अपने आप को अल्लाह के लिए झुका देते हैं और जिनकी रात दिन खुदा की इबादत में मशगूल हो जाती है फलहू अजरहू इंद रब्बिही कि उनके अल्लाह के यहाँ उनके लिए इतना अजर है कि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून ना वो दिन दुनिया में कभी परेशानी के आलम में होते हैं ना आखिरत के सिलसिले में वो गमगीन हैं इसलिए कि अल्लाह का वादा है कि जब तुम मेरे हो गए मैं तुम्हारा हो गया अब तुमने अपने आप को फना कर दिया खुदा के हाँ हो गए तो सुनो कि तुम्हारे लिए ऐलान यह है कि जब
जब कल कयामत का दिन होगा, रहमत कायनात की शफात तुम्हारे लिए होगी और तुम्हारे तवस्सुत से अल्लाह पाक अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को बख्शिश की और ये कुंजी अता फरमाएगा। आज मैं और आप ये याद रख लें कि जिन्होंने किसी आस्ताने से वाबस्तगी की है, आस्ताने किस लिए हैं कि ये आपको शरीयत की बात बताते हैं, तरीकत की बात बताते हैं, शरीयत और तरीकत की असल राह की तरफ लेके जाते हैं। साथियों, वक्त की नज़ाकत के पेश नज़र दो मुकर्रर सामने खड़े हो गए आपके। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरे मुकर्रर के हाँ ये स्पीकर चला जाए। दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें वक्त पर आने की तौफीक अता फरमाए और वक्त पर आए तो फिर हमें टाइम अपना मिल जाए। अल्लाह पाक आओ ना कारी साहब, अब आओ तशरीफ लाओ। पता नहीं पता नहीं